तो एग्जांपल नंबर 20 क्या है क्वेश्चन, x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9, ओके, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ओके, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे सेम मेथड बाय टेकिंग दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 2y. सर की है आप क्या ये हमने ले लिया है, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं x square plus 14x plus 9 is equals to x square y plus 2xy plus 3y. So we can write this x square into 1 माइनस वाई, यहाँ पे वाई है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वाई प्लस एक्स कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा 14 माइनस 2y प्लस 9 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0. ओके, अब नाउ वी नो दैट एज एक्स इज रियल सो देयरफॉर बी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, सो क्या होगा b square minus 4ac should be greater than or equals to 0. ये greater than or equals to 0 होगा तो हमारे पास b क्या है, इसको अगर हम ax square plus bx plus c इससे compare करें तो b हमारा होगा 14 minus 2y whole square minus 4. a is 1 minus y and c is 9 minus 3y should be greater than or equals to 0. Okay? तो इसको अगर हम solve करेंगे तो what we have is, okay, 14 minus 2y whole square is, 14 square is 196 minus 14 into 2 into 2 which is 56y plus 2y square which is 4 into y square minus 4 into 1 minus y into 9 minus 3y. तो ये क्या हो जाएगा, 9 minus 9y minus 3y plus 3y square is greater than or equals to 0. So therefore we have 196 minus 56y plus 4y square minus 9 into 4 is 36 and 9 plus 3 is 12. So minus 12 into 4 which is plus 48y as minus minus will become plus and 3 into 4 is 12. So minus 12y square is greater than or equals to 0. So from that we can write that minus 12y square plus 4y square is minus 8y square. Now plus 48y minus 56y is minus 8y and 196 minus 36 is plus 160, okay, is greater than or equals to 0. So yahan se kya common nikal sakta hai, minus 8, we can surely say that. So kya bachega andar, y square plus y minus 20 is greater than or equals to 0. So we can write that minus 8 agar yahan pe chala jayega ya fir hum dono side minus 8 se divide kar de to hume kya milega, y square plus y minus 20 is less than or equals to 0. Negative sign hai to ye sign change ho jayegi. Okay, to hum isko likh sakte hain y square, now 20 matlab plus 5 minus 4, to plus 5y minus 4y minus 20 is less than or equals to 0 which is equals to y common under y plus 5 minus 4 common y plus 5 is less than or equals to 0. So therefore we can write that y plus 5 into y minus 4 is less than or equals to 0. Therefore y is less than or equals to minus 5 and y is less than or equals to 4. Ab kya hoga, same thing, line kya hai minus 5 and plus 4, yahan pe ho jayega minus 5, yahan pe plus 4, again we have three sets, okay, minus 5 se less than which is we are taking minus 6. क्या है हमारे पास, y plus 5 into y minus 4, okay, so we have y plus 5 into y
माइनस फोर क्या चाहिए, लेस देन और इक्वल्स टू जीरो इक्वल्स टू है, तो माइनस फाइव एंड फोर तो आएंगे ही आएंगे, मतलब क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा। अब देखते हैं माइनस सिक्स, तो क्या हो जाएगा, माइनस सिक्स प्लस फाइव माइनस सिक्स माइनस फोर, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव विल ग्रेटर देन जीरो तो विल बिकम पॉजिटिव। क्या माइनस फाइव से फोर के बीच में तो जीरो ही आ जाएगा, तो हम लिखेंगे जीरो प्लस फाइव तो जीरो माइनस फोर, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, तो नेगेटिव इनटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिलेगी वो होगी नेगेटिव। अब फोर से ग्रेटर देन ले लेते हैं फाइव, यहाँ पे लिखते हैं फाइव प्लस फाइव इंटू फाइव माइनस फोर, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव के, तो ये हमें मिलेगा पॉजिटिव। अब देखते हैं क्वेश्चन के अंदर हमें क्या चाहिए, वाई प्लस फाइव इंटू वाई माइनस फोर इज लेस देन और इक्वल्स टू जीरो, तो लेस देन और इक्वल्स टू जीरो चाहिए, तो आंसर क्या होगा, माइनस फाइव इज लेस देन और इक्वल्स, मतलब नेगेटिव कहाँ पे है, माइनस फाइव से फोर के बीच में और उन दोनों के ऊपर भी, क्योंकि इक्वल्स टू भी हमें चाहिए, तो माइनस फाइव इज लेस देन और इक्वल्स टू वाई इज लेस देन और इक्वल्स टू फोर, दिस इज अवर आंसर, और वी कैन राइट दैट वाई बिलोंग्स टू माइनस फाइव टू फोर। ओके, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। यही था ना कि बिटवीन माइनस फोर और माइनस फाइव और फोर के बीच में आंसर होना चाहिए, तो ये हमारा आ गया। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर। ट्वेंटी वन में है x प्लस टू अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस सिक्स। ओके, तो क्या करेंगे, सेम थिंग, कॉल दिस इज इक्वल्स टू y, तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस टू इज इक्वल्स टू 2x square y plus 3xy plus 6y, ओके, ये हमें मिला, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x square y plus x common निकाल दे तो क्या मिलेगा 3y minus 1, ये यहाँ पे जा रहा है, plus क्या मिला 6y minus 2 is equals to 0, okay, तो ये हो गई हमारी अगेन ax square प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। नाउ अगेन सेम थिंग, एज एक्स इज रियल तो क्या मिलेगा, एक्स रियल है तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो, देयरफॉर वी कैन राइट दैट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी स्क्वायर क्या होगा, थ्री वाई माइनस वन होल स्क्वायर माइनस फोर, ए इज टू वाई एंड सी इज सिक्स वाई माइनस टू इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो, तो इसको अगर हम ओपन करेंगे 3y minus 1 whole square, 3y square is 9y square minus 3 into 2 which is 6y, okay, plus 1 square is 1 minus 4 into 2 which is 8, in bracket क्या हो जाएगा 6y square minus 2y is greater than or equals to 0, इसको अगर हम फिर से लिखे तो क्या मिलेगा हमें, सॉरी, क्या मिलेगा 9y square minus 6y plus 1 minus 16 into 3y square minus y is greater than or equals to 0, फिर से अगर इसको हम ओपन कर ले तो मिलेगा 9y square minus 6y plus 1 minus 16 into 3 is 48y square minus minus plus 16y square is greater than और इक्वल्स टू जीरो, सॉरी 16y होगा, गलती हो गई, सो देयरफॉर 9y स्क्वायर माइनस 48y स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 39y स्क्वायर, नाउ माइनस 6y प्लस 16y इज प्लस 10y एंड प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो, अब यहां से तो कुछ कॉमन निकलेगा नहीं,
लेकिन हम माइनस वन तो कॉमन निकाल सकते हैं, तो माइनस वन कॉमन निकल गया, तो क्या बचेगा अंदर, 39y² माइनस 10y माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. सो देयरफॉर वी कैन राइट दैट 39y² माइनस 10y माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 0. सो देयरफॉर अब क्या होगा, 39 के पार्ट निकालने हैं जिसका जो सबट्रैक्शन है वो 10 हो, तो क्या हो जाएगा 13y + 3y - 1 = 0. तो यहां से कॉमन निकलेगा 13y, तो अंदर क्या बचा 3y - 1 + 1 कॉमन, 3y - 1 = 0. सो देयरफॉर हियर वी कैन राइट दिस एज 3y - 1 × 13y + 1 = 0. तो हमें क्या मिला, y < 1/3 एंड y < -1/13. इन दोनों के बीच में हमें कुछ आंसर मिलना चाहिए, तो फिर से हम वही हमारा लाइन ले लेते हैं. यहाँ पे आ जाएगा -1/13 और यहाँ पे आ जाएगा 1/3. So we have three sets, -1/13 इसे छोटा के उससे लेफ्ट साइड में क्या आएगा -2, ओके माइनस वन भी आ सकता है, -2 लेते हैं तो क्या मिलेगा 3 × -2 विच इज -6 -1 13 × -2 विच इज -26 +1. ये देखो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे हमें मिलेगी पॉजिटिव वैल्यू. अब -1/13 एंड 1/3 के बीच में आएगा 0, तो ले लेते हैं 0 - 1 × 0 + 1, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो हमें जो मल्टीप्लिकेशन है वो मिलेगा नेगेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव. अब 1/3 से ग्रेटर देन वैल्यू, तो 1 ही ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा 3 - 1 × 13 + 1, तो ये क्या मिला हमें, ये मिला पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन होगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी आंसर होगा पॉजिटिव. लेकिन हमें चाहिए क्या, नेगेटिव आंसर, तो नेगेटिव आंसर कहाँ पे मिलेगा हमें, इन बिटवीन -1/13 to 1/3. सो आंसर विल बी ओके इक्वल्स टू भी है तो -1/3 से लेके 1/3 ये हमारा आंसर होगा. और यू कैन राइट दैट वाई, अच्छा ये होगा y belongs to, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं -1/13 < y = 1/3. कोई डाउट? नो मैम. नो. ओके सो नाउ नेक्स्ट वन इज 22nd. यहाँ पे हमें प्रूव हमें है हमारे पास x² - x + 8 शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 3, ऐसा बोला गया है कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 3 होगी. ओके तो इसके लिए हमें x जो है a की वैल्यू फाइंड करनी है कि a 1 से ज्यादा, a की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 ही होगी, ये हमें प्रूव करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है हमारा, इसको हम रीराइट करेंगे x² - x + 8 - 3 < 0. 3 अगर लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए तो ऐसा लिख सकते हैं. एलसीएम ले लेंगे तो x² - x + 8 - 3 × x² + x + 8 divided by x square plus x plus 8 is less than or equals to 0. therefore kya milega hame x² - x + 8 - 3x² - 3x - 3a divided by x square plus x plus 8 is less than or equals to 0.
यू कैन रीराइट दिस एज x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर. नाउ माइनस x माइनस 3x व्हिच इज माइनस 4x प्लस a माइनस 3a व्हिच इज माइनस 2a डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस a इज लेस देन और इक्वल्स टू 0. अब हम क्या करेंगे, यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन निकल सकती है, माइनस टू कॉमन निकल सकता है, तो माइनस टू इंटू क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इज लेस देन और इक्वल्स टू 0. अब माइनस टू अगर उस साइड चला जाए तो ये साइन भी चेंज हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस a इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. ओके, अब मेन थिंग हमें क्या प्रूव करना है कि जो हमारा न्यूमरेटर जो है ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 के लिए दोनों पॉजिटिव होने चाहिए. ओके, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस a, ओके, उससे तो ये पॉजिटिव होगा ही होगा. ओके, अब हम देख लेते हैं ये अगर ये किसके कौन सी वैल्यू के लिए पॉजिटिव होता है, दोनों पॉजिटिव होंगे तब ये ग्रेटर देन जीरो होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं होगा. ओके, तो अब देखते हैं क्या वैल्यू मिलती है हमें. तो एक्स रियल है तो हम ऊपर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स. एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स है तो जैसे हम बी स्क्वायर फाइंड करते थे वैसे यहाँ पे अगर बी स्क्वायर फाइंड करेंगे तो वन मिलेगा. ओके, तो प्लस वन ऐड करते हैं तो माइनस वन भी ऐड करेंगे, प्लस ए तो एज इट इज है ही, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. ओके, तो अभी हम सिर्फ न्यूमरेटर को पॉजिटिव प्रूव करते हैं. तो इसको हमें क्या मिला एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन. वी कैन राइट दिस एज एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस ए माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. ओके, तो अभी अगर हम जो न्यूमरेटर है उसके लिए ले ले x प्लस वन होल स्क्वायर प्लस a माइनस वन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. ओके, तो अब हमें तो ये भी पता है कि x क्या है, as x is real, okay? x real है तो x प्लस वन होल स्क्वायर विल ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा और इक्वल्स टू 0 भी होगा फॉर x इक्वल्स टू माइनस वन, तो ये तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा ही होगा. अब बची बात a माइनस वन, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा. ओके, तो अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा तो ये ग्रेटर देन क्या होगा 1. तो हमें यही प्रूव करना था कि a की वैल्यू a की मिनिमम वैल्यू 1 होगी. समझ में आया? मैं लास्ट स्लाइड पर बोलो ये लास्ट स्लाइड की लास्ट जगह ना करो पड़े प्लस वन माइनस वन स्क्वायर किया परफेक्ट स्क्वायर बना है. एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन ऐड किया और वन सब्ट्रैक्ट किया तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन व्हिच इज एक्स प्लस ओके. तो ये जो हमें प्रूव करना था ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1. समझ में आ गया? यस मैम. सो 23 जो है वो खुद कर लेना होमवर्क में, ओके, उसमें हिंट दी हुई है. आज एक्सरसाइज खत्म करनी है. 24 जो है वो करते हैं अभी. क्या है, सो दैट द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ 6x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 21 6x square minus 22x plus 21 divided by 5x square minus 18x plus 17 for all real values of x are 5 by 4 and 1 corresponding to the value 1 and 2 respectively of x. ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है. उसमें क्या है, हमें ये दिया गया है ये हम y ले लेंगे, दिस इज इक्वल्स टू y. तो हमें ये प्रूव करना है ये जो y की वैल्यू है फॉर इक्वल्स टू 0 पोर्शन अगर हम ले, y की वैल्यू क्या मिलेगी 5 बाय 4 और 1 मिलेगी.
किसके लिए 5/4 और 1 मिलेगी? For x equals to 1 and x equals to 2, मतलब x equals to 1 के लिए मिलेगी 5/4 और x equals to 2 के लिए मिलेगा 1. तो ये हमें प्रूव करना है. ओके, तो देखते हैं सेम थिंग. 6x square minus 22x plus 21 is equals to 5x square y minus 18xy plus 17y. ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं, x square अगर कॉमन निकाल दिया तो क्या बचा? 6 minus 5y माइनस एक्स अगर कॉमन निकाल दिया तो क्या बचा? 22 माइनस 18y प्लस 21 माइनस 17y इज इक्वल्स टू 0. तो फिर से हमारे पास क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 फॉर्म. ओके, एक्स रियल है तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. लेकिन हमें क्या करनी है? y की वैल्यू फाइंड करनी है. तो y की वैल्यू के लिए हम यही फाइंड बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 ही लेंगे. फिर भी अभी देखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? बी स्क्वायर इज माइनस ऑफ 22 माइनस 18y होल स्क्वायर. ओके, माइनस 4 a इज 6 माइनस 5y, c is 21 minus 17y, okay, is greater than or equals to 0. तो इसको square करते हैं, क्या मिलेगा? 22 square is 484 minus 2 into 18 into 22 is 792y plus 18 square is 324y square, okay, minus 4 into 6 minus 5y into 21 minus 17y, ये क्या हो जाएगा? 126, that is 6 into 21 minus 102y minus 105y plus 85y square, okay, which is greater than or equals to 0. So therefore, now we can write that, ये क्या हो जाएगा? 324y square minus 792y plus 484 as it is रखा, माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 126 इज 504. नाउ 102 माइनस 102 प्लस 105 इज 207 एंड 207 इंटू 4 इज 828y. नाउ 85 इंटू 4 is 340, so we have minus 340y square is greater than or equals to 0. So yahan pe hame kya milega? 324y square minus 340y square is minus 16y square. Now minus 792y plus 828y, which is plus 36y. Okay, and 484 minus 504 is minus 20, which is greater than or equals to 0. Ab यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा? तो माइनस 4 कितने निकाल देते हैं, माइनस 4 के अंदर क्या बचा? y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. माइनस 4 जो है वो राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो क्या मिलेगा हमारे पास? y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 5 इज लेस देन और इक्वल्स टू 0. तो हमें क्या मिला? फाइव के पार्ट निकालने हैं तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 4, यहाँ पे 4y स्क्वायर रह गया. ओके, 5 इंटू 4 उसके बाद, तो 5 इंटू 4 ही हो गए, तो माइनस 5y माइनस 4y प्लस 5 इज लेस देन और इक्वल्स टू 0. सो देयरफॉर यहाँ पे से क्या कॉमन निकलेगा? y, तो अंदर क्या बचा? 4y माइनस 5, माइनस 1 कॉमन, तो अंदर बचा 4y माइनस 5 विच इज लेस देन और इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4y माइनस 5 इंटू y माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 0. अभी हमें y की अगर वैल्यू चाहिए तो y की वैल्यू इसके ऊपर से मिल सकती है लेस और इक्वल्स टू 0 के लिए. तो क्या मिलेगा? y इक्वल्स टू 5/4 एंड y इक्वल्स टू 1. ये हमें y की वैल्यू मिल गई दोनों की दोनों. ओके, जो हमें चाहिए थी, देखो y equals to 5 by 4 and y equals to 1, दोनों मिल गई हमें वैल्यू. अब हमें प्रूव क्या करना है कि 5 by 4 कहाँ पे होता है? x equals to 1, और 1 कहाँ पे होता है? x equals to 2. तो सेम थिंग हम करेंगे, हमारे पास इक्वेशन है
कौन सी? ये वाली, ये जो है इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर वन. सो पुटिंग y इज इक्वल टू 5/4 इन इक्वेशन नंबर वन, व्हाट वी गेट इज x square into 6 minus 5y. तो क्या हो जाएगा 6 minus 5 into 5/4 minus x into क्या है 22 minus 18y. तो हो जाएगा 22 minus 18 5/4. x into 22 minus 18 into 5/4. Okay. Last क्या बचा? +21 minus 17y. +21 minus 17 into 5/4. Okay. Equals to 0. तो हमें क्या मिला? ये x square. Now 6 minus 5 into 25/4. Okay. तो 6 minus 25/4 माइनस एक्स इंटू 22 माइनस 18 इंटू 5/4 इज 45/4 प्लस 21 माइनस 17 इंटू 5/4 विच इज 85/4 इज इक्वल टू 0. तो इसको हम लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा -1/4 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/2x माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा -1/4, दिस विल बी -1/2, तो माइनस माइनस प्लस 1/2 एंड दिस विल बी -1/4. तो बाय टेकिंग एलसीएम व्हाट वी हैव इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. माइनस वन कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो. सो फ्रॉम दैट वी कैन राइट दैट एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो एंड फ्रॉम दैट वी कैन राइट दैट एक्स इक्वल टू वन वैन एवर वी हैव वाई इज इक्वल टू 5/4. राइट, समझ में आया? एक्स इक्वल टू वन एंड वाई इज इक्वल टू 5/4. तो जो हमें प्रूव करना था एक तो हो गया. नाउ फॉर द सेकेंड वन क्या है? फॉर y इज इक्वल टू वन, y इक्वल टू वन, ओके, या फिर हम लिख सकते हैं पुटिंग y इक्वल टू वन इन इक्वेशन नंबर वन, व्हाट वी गेट इज x स्क्वायर इनटू 6 minus 5 माइनस x 22 minus 18, सभी के साथ मल्टीप्लिकेशन में 1 है, प्लस 21 minus 17 इज इक्वल टू 0. तो ये क्या हो गया? 6 minus 5 इज 1, दैट इज x स्क्वायर माइनस 22 minus 18 which is 4x plus 21 minus 17 is 4 is equals to 0. So therefore what we have is x minus 2 whole square which is equals to 0. So we have x is equals to 2 at y is equals to 1. So ye bhi hamara proof ho gaya ke 5/4 ke upar 5/4 ke upar x ki value 1 hai aur 1 ke upar x ki value 2 hai. Ye dekhiye aap hamare paas jo main question tha wahi pe ye ke jo hame prove karna tha. समझ में आया? यस मैम, लास्ट स्लाइड पर 1/2 एक्स्ट्रा हां बचा है, हां मत चल वो मैं अरे पढ़ ली थी बोल, हां मत चल -1/4 एक्स्ट्रा इससे खबर ना पड़ी आई से. अरे एलसीएम ले दो सर, से दिस 25/4 ओके. What we have is 25/4, 6 minus 25/4. LCM सूत्र से 4. कि तो 4 into 6 क्या होगा? 24. 24 minus 25 is -1/4. Okay. अबे 22 minus 45/4. अबे LCM 4 सूत्र से तो 4 into 22 is 44. था? 88 था. 88 minus 45 कितना सूत्र से?
18 into 5 क्या होगा? 90 divided by 4 तो ये 45 by 2 हो जाएगा ना, मैं लिखने में mistake की है, तो मतलब 42 minus 45 तो 1 by 2 हो जाएगा, मैंने यहाँ पे mistake कर दी, 45 by 2 की जगह 45 by 4 लिख दिया, it is 45 by 2 तो ये हो जाएगा 42 minus 45 which is minus 1 divided by 2, तो minus 1 by 2 is plus 1 by 2, your 21 into 4 which is यहाँ पे 17 into 5 is 85 divided by 4, सही है क्यों, तो 84 minus 85 which is minus 1 by 4, ठीक है, तो फिर इसका एलसीएम 4 फसे एंड इट विल बी x पर माइनस सॉरी x पर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू c, अब भाई ओके, सो नेक्स्ट वन इज ट्वेंटी फिफ्थ देख लेते हैं, उसका फर्स्ट सेकंड कर लेना, फर्स्ट करवा रही हूँ, फर्स्ट वन इज इफ 3x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स p प्लस q प्लस r इनटू x प्लस pq प्लस qr प्लस rp बी अ परफेक्ट स्क्वायर देन प्रूव दैट P is equals to Q is equals to R. Okay? मतलब कि हमें यहाँ पे दिया गया है कि ये जो पूरा इक्वेशन है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब वी कैन राइट दिस एज a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2x into p प्लस q प्लस r प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, क्योंकि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, ओके, तो अगेन वही करेंगे हम कंपेयर कर लेंगे, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, this will give us a is equals to root 3x, okay, हम यहाँ पे plus और minus भी लिख सकते हैं, plus और minus root 3x, okay, now up to a भी है, अभी हम plus 3x root 3x ही लेते हैं, तो we have अब compare करेंगे 2ab को, तो किसके साथ करेंगे 2x into p plus q plus r के साथ, so इसके ऊपर से हमारे पास ये 2 तो cancel हो जाएगा, okay, a हमारे पास है क्या root 3x into b is equals to x into p plus q plus r, ये तो x x cancel हो जाएगा, तो this will give us b is equals to p plus q plus r divided by root 3, ये हमें b की value मिल गई, अब हम third compare करेंगे क्या b square is equals to p q plus q r plus r p, okay, अब हमें b की value हमारे पास है, तो देखो अभी मैं बता रही हूँ क्यों plus और minus ये जगह सिर्फ प्लस दिया, क्योंकि अगर प्लस और माइनस दोनों में से कुछ भी लेते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ प्लस और माइनस, ओके, सभी जगह पे यहाँ पे प्लस और माइनस, तो ये क्या हो जाता है सेम ही होता है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ही होने वाला है, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा p plus q plus r
डिवाइडेड बाय प्लस और माइनस रूट थ्री होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी. ओके, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ पी प्लस क्यू प्लस आर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय थ्री इज इक्वल्स टू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी. तो और वी कैन राइट द अब पी प्लस क्यू प्लस आर होल स्क्वायर भी हमें पता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस टू क्यू आर प्लस टू आर पी इज इक्वल्स टू थ्री पी क्यू प्लस थ्री क्यू आर प्लस थ्री आर पी. अब ये सब हम एक साइड कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी इज इक्वल्स टू जीरो. समझ में आया सब टू है और माइनस थ्री हो गया तो माइनस वन हो जाएगा. अब मैं इस पूरे इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई करती हूँ ऑन बोथ द साइड तो मुझे क्या मिलेगा टू पी स्क्वायर प्लस टू क्यू स्क्वायर प्लस टू आर स्क्वायर माइनस टू पी क्यू माइनस टू क्यू आर माइनस टू आर पी इज इक्वल्स टू जीरो. अब इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस टू पी क्यू माइनस टू क्यू आर माइनस टू आर पी इज इक्वल्स टू जीरो. ओके, अब इन सभी को अगर मुझे रीराइट करना है तो आई कैन राइट दैट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस टू पी क्यू प्लस पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस टू पी आर. ओके, प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस टू क्यू आर इज इक्वल्स टू जीरो. तो ये सभी देखिए क्या हो रहा है, तीन डीप के अगर हम ले ले तो ये क्या हो रहा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस टू पी क्यू इज पी माइनस क्यू होल स्क्वायर. तो इसको हम लिख सकते हैं पी माइनस क्यू होल स्क्वायर प्लस पी माइनस आर होल स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो. अभी देखो तीनों के तीनों स्क्वायर है मतलब होगी तो पॉजिटिव टर्म की पॉजिटिव या फिर जीरो. इक्वल्स टू जीरो है सभी का एडिशन तो क्या होगा p माइनस क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो एंड p माइनस आर होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो एंड q माइनस आर होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो. अगर तीनों जीरो है तभी इक्वल्स टू जीरो हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता क्योंकि ये नेगेटिव साइन तो हो ही नहीं सकती. सो देयरफॉर वी कैन राइट दैट p इज इक्वल्स टू q and p is equals to r and q is equals to r therefore we can write that p is equals to q is equals to r. समझ में आया? Yes ma'am. Okay. तो 26 भी कर लोगे, हमने काफी सारे examples किए हैं वैसा ही है. okay, इसको वो 4/9 and 1 के बीच में नहीं होना चाहिए. okay, काफी सारे example हमने ऐसे कर लिए. equals to y लेना है. okay. और y लेके जैसे हमने आगे के सॉल्व किए थे वैसे ही करने हैं. कर लोगे ना? Yes, तो 26 और 27 कर लेना तो मैं 28 और 29 करवा दूं तो हमारी पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाए. ठीक है, सो वी विल गो फॉर 28. So number 28 is range of the values of x for which x square minus 2x plus 5 divided by 3x square minus 2x minus 5 is greater than or equals to 1/2. Okay, इसकी range find करनी है. ये भी हमने किए हुए ही है लेकिन फिर भी कर लेते हैं. क्या हो जाएगा x square minus 2x plus 5 divided by 3x square minus 2x minus 5 minus 1/2 is greater than or equals to 0. तो इसको अगर LCM ले ले तो क्या मिलेगा x square minus 2x plus 5 minus पर यहाँ पे 2 2 लग जाएगा 2x square minus 4x फिर से लिख देती हूँ. क्या हो जाएगा 2x square minus 4x plus 10 minus 3x square minus 2x minus 5 divided by 2 into 3x square minus 2x minus 5 is greater than or equals to 0. So therefore,
अब ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, 2x² - 4x प्लस 10 था ना मैम, 10 है प्लस 10 माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 10 सॉरी प्लस 5 डिवाइडेड बाय, चलिए 2 यहाँ पे हम राइट साइड में ले जाते हैं तो वो 0 ही हो जाएगा, तो 3x² माइनस 2x माइनस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ओके अब ये क्या हो जाएगा, 2x² माइनस 3x क्या था, 2x² माइनस 3x² तो 2x² माइनस 3x² ये हो जाएगा माइनस ऑफ x² माइनस 2x प्लस 15 डिवाइडेड बाय 3x² माइनस 2x माइनस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब ऊपर से माइनस 1 कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा, x² प्लस 2x माइनस 15 डिवाइडेड बाय, अब ये देखो 3 × 5 विच इज 15 उसका सब्ट्रैक्शन तो क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 5x प्लस 3x माइनस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। माइनस 1 उस साइड चला जाएगा तो लेस देन और इक्वल्स टू हो जाएगा, इक्वेशन क्या हो गई हमारे पास x², अब ये 2x है यहाँ पे 15 है तो सेम ही आ जाएगा प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 डिवाइडेड बाय, यहाँ से x कॉमन तो अंदर बचा 3x माइनस 5 प्लस 1 कॉमन अंदर 3x माइनस 5 इज लेस देन और इक्वल्स टू 0, देयरफॉर ऊपर से x कॉमन अंदर बचा x प्लस 5 माइनस 3 कॉमन अंदर बचा x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x इंटू 3x माइनस 5 प्लस 1 इंटू 3x माइनस 5 इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। तो क्या मिल गया हमें, x प्लस 5 इंटू x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 5 इंटू x प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। ओके अब यहाँ पे क्या होगा, इस लेस देन इक्वल्स टू हमने 1/2 मतलब कुछ नंबर है ऐसे इक्वेशंस किए हैं, लेकिन अब इसमें क्या करेंगे तो हम ऐसे नॉर्मली क्या करते हैं, इसमें जो हमारा डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर कर देते हैं, दैट मींस वो सिंपल से ही हमारा पॉजिटिव वैल्यू ही होगा, तो हम इन दोनों को फिर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिलेगा, x प्लस 5 इंटू x माइनस 3। ओके साथ में क्या होगा, 3x माइनस 5 इंटू x प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो नीचे स्क्वायर हो जाएगा विच इज 3x माइनस 5 होल स्क्वायर into x plus 1 whole square is less than or equals to 0. Now, as x is real, therefore, 3x minus 5 whole square into x plus 1 whole square is greater than 0, equals to 0 तो नहीं हो सकता, तो is greater than 0. So, we can also write that x cannot be 5/3 and x cannot be minus 1. Okay, x minus 1 और 5/3 तो नहीं हो सकता. ओके तब हमारे पास बचा क्या, x प्लस 5 x माइनस 3 3x माइनस 5 x प्लस 1। ओके तो वी हैव दैट x प्लस 5 टू x माइनस 3 के x 3x माइनस 5 इनटू x प्लस 1। अब देखिए डिनोमिनेटर जो है हमारा वो तो पॉजिटिव हो ही गया है, अब क्या बचा, लेस देन और इक्वल्स टू 0, सिर्फ न्यूमरेटर ही हो सकता है विच इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। ओके so we can write that x plus 5 is less than or equals to 0, x minus 3 is less than or equals to 0, 3x minus 5 is less than 0 and x plus 1 is less than 0। okay इतनी possibility है हमारे पास। okay अब 3x minus 5 और x plus 1 जो है वो तो हमारी value है ही नहीं,
ओके तो पॉइंट्स लेते हैं माइनस फाइव और थ्री माइनस फाइव से लेस देन माइनस फाइव क्या होगा माइनस सिक्स तो माइनस सिक्स लेते हैं तो क्या होगा माइनस सिक्स प्लस फाइव माइनस सिक्स माइनस थ्री थ्री इंटू माइनस सिक्स विच इज माइनस एटीन माइनस फाइव माइनस सिक्स प्लस वन अब ये देखो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव सभी नेगेटिव तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी पॉजिटिव क्योंकि चार नेगेटिव है तो माइनस फाइव से थ्री के बीच में लेते हैं जीरो तो माइनस फाइव से थ्री के बीच में होगा जीरो हमारा तो जीरो लेते हैं तो क्या हो जाएगा जीरो प्लस फाइव जीरो माइनस थ्री जीरो माइनस फाइव एंड जीरो प्लस वन अभी देखो दो पॉजिटिव है और दो नेगेटिव है तो अगेन ग्रेटर देन जीरो मिल जाएगा तो हमें मिलेगी पॉजिटिव वैल्यू अब ग्रेटर देन थ्री ले लेते हैं फोर तो क्या मिलेगा फोर प्लस फाइव फोर माइनस थ्री ट्वेल्व माइनस फाइव इंटू फोर प्लस वन तो ये क्या हो जाएगा अब ये क्या है फोर प्लस फाइव मतलब पॉजिटिव फोर माइनस थ्री मतलब पॉजिटिव अब ट्वेल्व माइनस फाइव विच इज पॉजिटिव फोर प्लस वन विच इज पॉजिटिव तो यहाँ पे भी सब कुछ आ गया पॉजिटिव अब क्या करेंगे मतलब हमारे पास जो भी वैल्यू थी माइनस फाइव और थ्री इसके लिए तो सब सारे के सारे पॉइंट हमारे पॉजिटिव आ गए राइट तो अब क्या बचा हमारे पास बचा 3x माइनस फाइव एंड x प्लस वन मतलब कौन कौन से पॉइंट 5 बाई थ्री एंड माइनस वन तो 5 बाई थ्री कहां पे आएगा यहां पे आएगा 5 बाई थ्री और माइनस वन आएगा यहां पे ओके तो माइनस वन मतलब जीरो तो ले लिया है हमने माइनस वन से फाइव बाई थ्री के बीच में वो तो पॉजिटिव मिल रहा है कि अब माइनस वन से माइनस फाइव के बीच में लेते हैं माइनस टू तो माइनस टू के लिए देखते हैं माइनस टू प्लस फाइव माइनस टू माइनस थ्री थ्री इंटू माइनस टू विच इज माइनस सिक्स माइनस फाइव एंड माइनस टू प्लस वन तो ये क्या हो गया माइनस टू प्लस फाइव मतलब पॉजिटिव माइनस टू माइनस थ्री नेगेटिव माइनस सिक्स माइनस फाइव नेगेटिव माइनस टू माइनस वन नेगेटिव मतलब तीन नेगेटिव और एक पॉजिटिव तो माइनस वन से माइनस फाइव के बीच में हमें वैल्यू मिली नेगेटिव अब देखते हैं फाइव बाई थ्री से थ्री के बीच में क्या आएगा लेते हैं टू तो टू अब लेते हैं माइनस टू तो ले लिया तो टू प्लस फाइव टू माइनस थ्री सिक्स माइनस फाइव एंड टू प्लस वन तो 2 प्लस वन क्या हो जाएगा पॉजिटिव 2 माइनस थ्री होगा नेगेटिव 6 माइनस फाइव होगा पॉजिटिव और 2 प्लस वन होगा पॉजिटिव अब देखिए तीन पॉजिटिव और एक नेगेटिव तो यहाँ पे भी हमें वैल्यू मिल गई नेगेटिव ओके तो हमारा आंसर कहाँ पे होगा माइनस वन से माइनस फाइव के बीच में ओके अब एक और चीज जो है क्या है एक्स कैन नॉट बी माइनस वन ओके और दूसरा क्या है एक्स कैन नॉट बी फाइव बाई थ्री तो हमारा आंसर कहाँ पे होगा इन बिटवीन 5 बाई थ्री टू थ्री एंड माइनस फाइव टू माइनस वन तो देयरफॉर वी कैन राइट दैट माइनस फाइव ओके अब माइनस फाइव लेंगे तो ये जीरो हो जाएगा तो वी कैन राइट दैट माइनस फाइव इज लेस देन और इक्वल्स टू एक्स इज लेस देन माइनस वन ओके और दूसरा आंसर हमारा होगा 5 by 3 is less than x is less than or equals to 3 okay 3 के ऊपर भी है जो होगा वो 0 हो जाएगा तो हमारा आंसर ये होगा समझ में आया कोई डाउट यस और नो समझ में आ गया ना मतलब पूरा Yes, ma'am. Okay. So now we'll go for the 29th. (Clears throat)
क्या है हमें फाइंड करनी है, रेंज ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज लेस देन 2। इजी है, एकदम इजी है। थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है इसीलिए मैं ये करवा रही हूँ, वरना ये भी मैं होमवर्क में ही दे देती, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, विच इज 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 माइनस 2 इज लेस देन 0। ओके, तो इसको हम फिर से एलसीएम ले लेंगे तो क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 माइनस 2 इनटू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज लेस देन 0। देखिए यहां पे सिर्फ लेस देन है, इक्वल्स टू क्वेश्चन नहीं है। अब ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये पूरा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10 डिवाइडेड बाय, अच्छा ये देखिए इसका कुछ हो सकता है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 आता है किसी को, 5 के ऐसे पार्ट जहां पे 2 आए, एनीवन, इसका क्या हो सकता है, कुछ नहीं। तो फिर से यहाँ पे भी हम परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 2x, अगर a स्क्वायर माइनस 2a भी ये है तो प्लस b स्क्वायर क्या होगा, प्लस 1, तो 5 के पार्ट्स निकालेंगे प्लस 1 तो क्या बचेगा, प्लस 4 इज लेस देन 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखा है 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो क्या बचा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4x which is plus 2x minus 5 minus 10 is minus 15 divided by, अब ये देखिए क्या हो गया, x minus 1 whole square plus 4 is less than 0। अब हमें ये तो पता ही है कि, अच्छा लिख लेते हैं, x square minus 2x, sorry, x square plus 2x minus 15, तो क्या हो जाएगा, x square plus 5x minus 3x minus 15 divided by x minus 1 whole square plus 4 is less than 0। वन थिंग वी नो दैट एज एक्स इज रियल, एक्स रियल है तो एक्स माइनस वन होल स्क्वायर तो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा, और ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो है तो एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस फोर भी ग्रेटर देन जीरो ही होगा, तो जो डिनोमिनेटर है हमारा वो तो ग्रेटर देन जीरो है, तो बचा सिर्फ और सिर्फ हमारा न्यूमरेटर, ये तो क्या है हमारे पास, तो एक्स कॉमन निकलेगा, तो अंदर क्या बचा, एक्स प्लस 5, यहाँ से माइनस 3 कॉमन निकलेगा, अंदर बचा x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 इज लेस देन 0। सो देयरफॉर वी हैव टू फाइंड दैट x प्लस 5 इनटू x माइनस 3 इज लेस देन 0, यही चेक करना है हमें। ठीक है, तो अगेन लाइन देख लेंगे क्या है, 5 सॉरी माइनस 5 और 3 इन दोनों के बीच में कहाँ पे हमें मिल रहा है, नेगेटिव 0। So we have less than minus 5, between minus 5 to 3 and greater than 3. So minus 5 से less than ले लेते हैं minus 6. So minus 6 plus 5. So minus 6 minus 3. ये होगी negative, ये भी negative, 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 positive. Okay. तो मिलेगा positive. Minus 5 से 3 के बीच में लेंगे 0. तो क्या हो जाएगा, 0 plus 5 into 0 minus 3. Negative into positive is negative. तो यहाँ पे मिलेगा negative. 3 से greater than लेते हैं 4. तो क्या मिलेगा, 4 प्लस 5 इंटू 4 माइनस 3, दोनों ग्रेटर देन 0, मतलब हमें आंसर भी मिलेगा ग्रेटर देन 0 विच इज पॉजिटिव। ओके, तो हमें आंसर क्या चाहिए, नेगेटिव, हमें क्या चाहिए था कि x प्लस 5 इंटू x माइनस 3 इज लेस देन 0, तो ये कब होगा, वेन एवर वी हैव माइनस 5 इज लेस देन x इज लेस देन 3। समझ में आया, yes, कोई डाउट, नो No. Okay.